नेपाल की राजधानी काठमांडू से चीन की राजधानी बीजिंग के बीच पहली सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई है। इससे नेपाल को चीन पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। नेपाल के सांस्कृतिक पर्यटक और नगर विमानन मंत्री योगेश भट्टराई ने यह बात कही। हिमालयन एयरलाइन ने रविवार से काठमांडू और बीजिंग के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। इसके लिए रविवार को यहाँ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेपाल में चीन के राजदूत होई योंग एवं अन्य लोग शामिल हुए। हिमालयन एयरलाइन नेपाल चीन का संयुक्त उपक्रम है। चीन की सरकार संवाद समिति शिनहुआ ने कहा कि यह दोनों देश की राजधानियों को जोड़ने वाली पहली उड़ान सेवा है। इसका मकसद हिमालय में दोनों पड़ोसी मुल्क को करीब लाना है, जो कि नेपाल और चीन के लिए एक बेहतर दोस्ती का प्रतीक है। NI News